क्रिएटिव ऐप के लिए मैं ब्रिजमोहन कश्यप, मैं यहाँ देहरादून रोड पे खड़ा हूँ और कांवड़िए यहाँ से लाखों की संख्या में जा रहे हैं, कुछ बच्चे यहाँ सेवा भी कर रहे हैं। चलिए हम इन बच्चों से बात करते हैं। बच्चों आपने किसी किसी कोल्ड ड्रिंक, आपका नाम पहले, नाम क्या है आपका? मानू। मानू आपने कितने लोगों को कोल्ड ड्रिंक पिलाई कांवड़िए को? 50 पिलाई है। हाँ। कैसा लग रहा है कोल्ड ड्रिंक पिलाकर? अच्छा। आपका नाम? टीना। टीना कितने लोगों की सेवा करी है कांवड़िए? बहुत करी है। कैसा लग रहा है बच्चों? अच्छा लग रहा है। ये जो कांवड़िए जा रहे हैं इन लोगों को और क्या क्या खिलाया आपने सब तक? हमने कोल्ड ड्रिंक खिलाया, आइसक्रीम भी, और जैसे यहाँ पे खाना खिलाया वो खिलाया। तुम्हारा नाम? मेरा नाम दीक्षित है। कैसा लग रहा है कोल्ड ड्रिंक पिलाई बच्चों को? अच्छा लग रहा है। बहुत सेवा कर रहे हो, कितने दिन तक करोगे? जब तक शिविर चलेगा। अच्छा अच्छा, तो बोले जितने आ रहे हैं सब लोग की सेवा कर रहे हो? हाँ बोले। देखो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो बच्चे हैं ये भोलों की सेवा कर रहे हैं, उनको पानी दे रहे हैं, और देखो लाखों की संख्या में कांवड़िए सहारनपुर से गुजरते हैं, पंजाब हरियाणा और बड़ी दूर दूर से आते हैं। ये देखे अब कांवड़िए आ रहे हैं, ये कुछ पंजाब से हैं, कुछ यमुनानगर, कुछ हरियाणा से हैं, कुछ बड़ी दूर दूर से यहाँ कांवड़िए आ रहे हैं, और इन लोगों से भी हम बात करेंगे, इन कांवड़ियों से भी अभी बात करेंगे, क्योंकि ये कांवड़िए इनका ये होता है कि जैसे अब जहाँ ठंडक होती है ये कांवड़िए लंबी संख्या में अपने स्थान की ओर पहुँचने की कोशिश करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कांवड़िए सोचते हैं कि ठंडक है, जितनी जल्दी रास्ता कवर करें ये कर सकते हैं और अपने स्थान पर पहुँचना चाहते हैं। और ये क्या बोलते हैं कि जितने कांवड़िए हैं इनके ये सब बहुत दूर दूर से आते हैं, पंजाब हरियाणा जम्मू कश्मीर तक से कांवड़िए सहारनपुर से होकर गुजरते हैं। अभी हम इन कांवड़ियों से भी बात करेंगे। आपका नाम? सतपाल है जी। कहाँ से आए हैं? यमुनानगर से जी। यमुनानगर से कब गए थे चलने के लिए? 24 तारीख को गए थे जी। अच्छा, तो अब कब तक पहुँच जाएंगे आप? अब 30 तारीख को पहुँचेंगे जी। 30 तारीख को पहुँचेंगे और फिर जल चढ़ाएंगे। क्या दुआ मांगी थी बाबा से जो आज कांवड़ लेके आए हैं? दुआ मांगते हैं जी संसार का, परिवार का, सबका भला करें। अच्छा कब से आ रहे हैं कांवड़ लेके? हो गए जी 22 साल। 22 साल हो गए आपको? आपका नाम? शिव कुमार जी कब से कांवड़ लेके आ रहे हैं आप? 3 साल है जी। 3 साल है जी। तो दुआ मांगी थी, कुछ मन्नत मांगी थी भोले बाबा से जो पूरी हो गई? दुआ तो यही मान रहे जी, मान ले जो मनोकामना सुख पूरी हो जी, कुछ भी मान लो वही पूरी हो जाती है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो कितने साल? 3 साल से आ रहे हो कांवड़ लेके? हाँ 3 साल है जी अब। अच्छा अच्छा जी। आपका नाम? अभिषेक कुमार। अच्छा कब से कांवड़ लेके आ रहे हो? पहली बार आ रहे हैं। कैसा लग रहा है कांवड़ लेके? बहुत अच्छा लग रहा है। कोई थकान कुछ महसूस नहीं है आज? बस फिलहाल तो सब अच्छा लग रहा है। सब अच्छा बिल्कुल। कुछ मन्नत मांगी हो? मन्नत करके अस्तर मांग रही बस। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये हमारे साथ कुछ कांवड़िए थे जो यमुनानगर से, कुछ अम्बाला से ये कांवड़ लेकर आ रहे हैं, और बड़ी दूर दूर से ये कांवड़ लेकर आ रहे हैं। कुछ कांवड़िए और आ रहे हैं, हम इनसे भी बात करेंगे अभी। इनसे भी पूछेंगे कि जो ये पहली बार कांवड़ लेकर आ रहे हैं ये क्या नाम है? आपका नाम? आशु मित्तल। कहाँ से कांवड़ लेकर? अम्बाला से, हरिद्वार से कांवड़ लेकर आए हैं। अम्बाला के लिए कब तक पहुँचाएंगे? 30 तारीख तक जी। अम्बाला से आगे 30 किलोमीटर गांव पड़ता है। अच्छा अच्छा। ननियोला। तो कुछ मन्नत मांगेंगे आपने? मन्नत हर साल जो भी सोचते हैं सब पूरा होता है जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो अब जब कांवड़ लेके जाएंगे तो अगले साल फिर अब आएंगे? जब बुलाएगा बोला जरूर आएंगे जी। आपका नाम? संदीप बोला। कांवड़ लेके आए? हाँ बोले। कहाँ से आए? हरिद्वार से आए हैं। नहीं आप? हम करनाल डिस्ट्रिक्ट से हैं, गांव बीरबडाल हुआ। तो कब तक पहुँच जाएंगे वहाँ? बस 2 ही दिन लगेंगे बोले। 29 को गांव में पहुँच जाएंगे। मन्नत मांगी थी या क्या था? मन्नत तो जैसी बोले आई साल मांगा बस पूरी होने लग रही, जान लग रही। मैं 7 साल हो गए बोले। 7 साल हो गए। हाँ। नाम? धन्यवाद बोलेगा जी। अच्छा। मम बडियाड़ुआ गांव नील दू शहर लगता है हमारा जी। अच्छा अच्छा। नीलकंठ की चढ़ाई करके आ रहे हैं, बीच में 2 दिन रह रहे हैं हमारे जी। 13 साल कांवड़ लेने हो गए जी। 13 साल हो गए आपको कांवड़? हाँ जी। आपका नाम? हाँ जी रिंकू है जी। कहाँ से आ रहे हैं आप? यमुनानगर। यमुनानगर से कितनी बार कांवड़ लेके आए आप? 17-18 साल हो गया। 17-18 साल हो गए। हाँ जी। तो कैसा लग रहा है कांवड़ लाके? बहुत अच्छा लगता है। सहारनपुर में जैसे आप पूछ रहे हैं यहाँ जो सेवा हो रही है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? 17-18 साल में आज तक हमें कोई दिक्कत नहीं आई किसी भी चीज़ की, पैसे की, खाने पीने की, रहने सहने की कोई दिक्कत नहीं है। 17 साल में हमें बोले तो बहुत कुछ मिला। मन नहीं मानता कि कांवड़ का मेला कभी खत्म हो, और हम हर बार 5-6 कांवड़िए नए लेके आते हैं जिन्हें हम यहाँ का मेला दिखाए, इंजॉय कराए। आपका नाम? मेरा नाम रवि। कब से कांवड़ लेके आ रहे हो? मेरा 3 साल है जी। 3 साल है। कहाँ से हो? यमुनानगर। यमुनानगर जगाधरी। अच्छा अच्छा। तो कुछ मन्नत मांगो?
मैंने तो घर घर मांगा था, घर मिल गया, भोलेनाथ की बहुत कृपा हुई है। दूसरा क्या करते हैं वैसे आप? कपड़े काम करते जी। बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया चल रहा जी। कोई इस तरह की परेशानी? कोई दिक्कत नहीं, भोलेनाथ की फुल कृपा जी। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जितने कांवड़िए आ रहे हैं, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर के कांवड़िए हैं, और ये बहुत दूर दूर से कांवड़ लेकर आ रहे हैं, इनकी काफ़ी संख्या में लोग हैं, और किसी को 10 साल हो गए, किसी को 12 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए हैं, लेकिन ये कांवड़ियों की इनका हौसला नहीं टूटता, सबसे बड़ी चीज़ है। मैं कैमरामैन दीपक के साथ ब्रिजमोहन कश्यप, सिटी वेब न्यूज़ के लिए। सिटी वैम न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचे। हमारी वीडियो को लाइक कर शेयर जरूर करें।